अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शुमार है कि प्रदेशवासी गड्ढा मुक्त सड़कों से होकर गुजरे और यात्रा सुगम हो, लेकिन नौकरशाही व जनप्रतिनिधियों की भारी उपेक्षा के कारण मेरठ शहर की सड़कों का बुरा हाल है। मेरठ नगर निगम को 2 रोड एम्बुलेंस भी मिली हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जहां शरीर ही पूरा जख्मी हो वहां ये 2 एम्बुलेंस कितनी कारगर साबित होंगी। अधिकांश जगह ऐसी हैं जहां गड्ढों के बीच सड़क तलाश कर किसी तरह आगे बढ़ना पड़ता है। इन सड़कों से उड़ती धूल ने जनमानस को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन नौकरशाह व जनप्रतिनिधियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। आज फर्स्ट बाइट टीवी टीम ने मवाना रोड स्थित ग्रीन पार्क इलाके का दौरा किया। हाईवे से जोड़ने वाले करीब 1 किलोमीटर के इस मार्ग में कितने और कितने गहरे गड्ढे हैं, इन्हें आसानी से नहीं गिना जा सकता। यह हाल तब है जबकि प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश खट्टी का कैंप कार्यालय भी यहीं पर स्थित है। उनकी बस मौजूदगी का एहसास यहां लगा बोर्ड लगातार दिखाता है। इस सड़क के निर्माण का क्षेत्रीय विधायक शाहिद मंजूर ने वादा किया था, लेकिन उस वादे को भी 6 माह से ज्यादा का समय हो गया है। आइए देखते हैं इस खस्ता हाल सड़क पर फर्स्ट बाइट टीवी की यह रिपोर्ट। नमस्कार, हम मौजूद हैं मेरठ मवाना रोड स्थित ग्रीन पार्क में, और जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस 1 किलोमीटर की सड़क पर कितने ज्यादा गड्ढे हैं और कैसे राहगीरों को रोज गड्ढों से सड़क तलाश कर गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश खट्टी का यहाँ पर ऑफिस है और वो अमूमन इस सड़क से गुजरते हैं। मेरा नाम विवेक गुप्ता है। आप इस सड़क की हालत देख सकते हैं, जगह जगह रोड ही निकली हुई है। ना सांसद काम कराता है, ना विधायक काम कराता है। पिछली बीजेपी सरकार में इस सड़क पर कुछ भी कार्य नहीं हुआ। जो भी काम यहाँ गड्ढे इतने हो रहे हैं कि बच्चे यहाँ रोजाना गिरते हैं और कृष्णा लोक तक जाने में भी बहुत समस्याएँ हैं। आपने इस सड़क की शिकायत की किसी से? हम इसकी शिकायत सांसद जी से। आपने इस सड़क की शिकायत किसी से की? हाँ, हम इसकी शिकायत राजेंद्र अग्रवाल से भी कर चुके हैं, MDA के VC से भी कर चुके हैं, कमिश्नर साहिबा से भी कर चुके हैं इसकी शिकायत। और इसकी उसके हम पे लेटर भी सारे मौजूद हैं, जो जो हमने शिकायतें इसकी करी हैं। बल्कि अब शाहिद मंजूर जी ने हमें आश्वासन दिया कि वो अपनी विधायक निधि से इसका निर्माण करवाएंगे, लेकिन उसे भी 6 महीने हो। जानते हैं कि उनका इस सड़क के बारे में, इन गड्ढों के बारे में क्या कहना है और वो किसको जिम्मेदार बताते हैं? मेरा नाम डॉक्टर विकास है, मैं यहाँ पे 2007 से रह रहा हूँ। अच्छा, जब से ये रोड बनी है, एक ही बार हमारे सामने 2009 या 10 में इसका दोबारा से बनाई गई है, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। और पूरी तरीके से रोड टूट चुकी है। सभी स्कूल्स वगैरह की वैन हमारे यहाँ पे जितने भी कॉलोनी हैं, दिव्यलोक, विजयलोक, ग्रीन पार्क, कृष्णा लोक, राधा कुंज, सिल्कुंज, मैं 10 से 12 कॉलोनीज इस रोड पर हैं, जिसमें से कृष्णा लोक MDA अप्रूव्ड कॉलोनी है, विजय लोक है, तो उनका कनेक्टिंग रोड यही है। और इस टाइम तो ये स्थिति है कि साइडों की रोड भी टूट गई है, तो रजपुरा गांव या आगे जो गोड़पुर गांव पड़ता है वहां के लोग भी बड़ी सड़क होने की वजह से यहीं से होके जाते हैं, और इस रोड पे चलने की स्थिति है नहीं। सुबह सुबह स्कूल 10-12 स्कूल्स की वैन्स वगैरह आती हैं, लोग अपने व्हीकल से जाते हैं, तो सबको बहुत परेशानी है। सारी जगह खड्डे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पूरी रोड पूरी तरीके से टूट चुकी है। इस सड़क में इतने ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं, यहाँ की इतनी ज़्यादा बुरी हालात है, लोगों को इतनी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? इसलिए तो ये चाहूँगा कि सुधार हो जाए। और मैं क्या कहूँ, सुधार हो जाना चाहिए, चाहे कोई भी करो। आपको क्या परेशानी है इससे? परेशानी तो सबको ही होती है। अच्छा, आप बताइए अपनी कोई परेशानी। अरे, मैं घूमने जाऊंगी तो ऊंचे नीचे पे पैर पड़ गया तो मैं गिर जाऊंगी। जी। मुझे तो यही बच्चे की परेशानी, बुढ़ापा है, पता नहीं कहाँ से हड्डी टूट जा, फिर मैं कैसे ठीक होंगी। बेकार सड़क है। अच्छा। तो हमारा तो ये कहना जी, बननी चाहिए, बहुत ज्यादा परेशानी है। मेरठ में आप कहीं भी चले जाओ, सभी जगह यही हाल है, और यहाँ का तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। कोई जनप्रतिनिधि सुनने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ वो आते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, किसी की शादी में जा रहे हैं, वो कोई जनसभा उनके यहाँ नहीं है। आज मुख्यमंत्री पोर्टल पे कोई रिपोर्ट डाल लो, कोई रिप्लाई नहीं मिलता उस चीज़ का। मुख्यमंत्री पोर्टल पे मेरी समस्या थी 4 अप्रैल 12 PM। अच्छा। मुझे इसका रिप्लाई मिला 5 अप्रैल 10:30 बजे कि आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया गया।
जबकि सड़क आप देख रहे हो कितनी टूटी हुई, इसी से रिलेटेड? हाँ, इसी से रिलेटेड। अच्छा, तो आपको पूरे 24 घंटे बाद इस चीज़ 24 घंटे बाद, लेकिन मेरे पास आज तक कोई फोन नहीं आया कि ये समस्या सोल्व होगी, है सिर्फ मैसेज के लिए। और मुख्यमंत्री के पोर्टल पर मैंने वोट डाली थी, 15 दिन बाद मेरे पास फोन आया, जेई साहब ने कह दिया कि मेरे उसमें अंडर में नहीं है, तो हम कौन सा पाकिस्तान में रह रहे हैं जी, हम भी नहीं। बोला आपको कि अंडर में नहीं है? जेई ने। अच्छा, जेई साहब ने आपको बोला कि अंडर में नहीं है? अंडर में। अच्छा, अब ये मुख्यमंत्री के पोर्टल पर डाली थी मैंने रिपोर्ट, तो जेई साहब तो उनके अंडर में ही है, उन्होंने कह दिया कि ये हमारे अंडर में नहीं। सेंसर पाल मेरा नाम है, 20 साल से अभी तक ये एक बार बनी है रोड, 20 साल से पहले है या उसके बाद बनी नहीं, एक बार बनी है। और नाले का बुरा हाल है, नाले में गंदगी अटी पड़ी है, सफाई करने कोई आज तक आया नहीं है, और रोड का तो हाल जी आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा भी है और सुना भी है, लोगों की परेशानियों को देखिए, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर खबरें भेजने के बाद, एप्लीकेशन डालने के बाद कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, उधर से कोई भी फीडबैक नहीं आ रहा है, तो ऐसे में ये लोग क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? और 24 घंटे बाद इस चीज़ का जवाब आ रहा है, जैसे कि आपने अभी देखा है, 24 घंटे बाद मुख्यमंत्री के पोर्टल से जवाब आना क्या मतलब है? इस खबर पर बनी रहेगी हमारी नज़र, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। मैं कैमरामैन अर्जुन के साथ।